बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज मी सफी खान और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेडमी के जितने भी ऑल मॉडल हैं उनके प्राइसेस के हवाले से बात करेंगे और इन प्राइसेस में कमी आई है, रेडमी के जितने भी फोन है उनके प्राइसेस में थोड़ी सी कमी आई है और जो मौजूदा इस वक्त प्राइसेस चल रही है उसके हवाले से बात करेंगे और इस साथ कुछ रियलमी के भी मॉडल है उनके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। तो यकीनन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को अगर आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली जो भी मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जाते हैं और वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम दोस्तों रेडमी के हवाले से बात करेंगे जो कि हमारे पास आता है रेडमी का A2 प्लस। ये 3 GB रैम के साथ लॉन्च हुआ है और 64 GB मेमोरी, यानी इस फोन की 3 GB रैम है और 64 GB इस फोन की मेमोरी है। अगर हम इस फोन की बात कर लेते हैं तो इस फोन में हमें नॉर्मल सा फोन देखने को मिलता है। अगर आप की रेंज है 20,000 रुपए की रेंज तक या 18,000 रुपए की रेंज आप फोन लेना चाहते हैं तो ये रेडमी A2 प्लस आपके लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि ये 3 GB रैम के साथ है और 64 GB इस फोन की मेमोरी है। तो इस फोन के प्राइस के हवाले से देखा जाए तो इस फोन की जो इस वक्त प्राइस है वो 18,500 रुपए में ये फोन आपको मिलेगा। इसके साथ आता है Redmi का 13C, जो कि इसमें हमें दो वेरियंट इस वक्त देखने को मिलते हैं, एक 4 GB रैम 128 GB वाला और जो दूसरा है वो 6 GB रैम 128 GB वाला। तो बात करेंगे 4 GB रैम 128 GB वाले की। दोस्तों, ये फोन जो है Redmi 13C का, इसकी जो पहले वाली प्राइस थी वो 32,000 रुपीज थी, तो उस फोन में इसके बाद इस फोन में कमी आई है। अभी जो इस वक्त इस फोन की प्राइस है दोस्तों वो सिर्फ 29,000 रुपीज है। और जो इसका दूसरा वेरिएंट है 6 GB रैम 128 GB वाले, उसके हवाले से देखा जाए तो इस फोन की इस वक्त जो प्राइस है वो 31,000 रुपीज है, यानी 31,000 रुपए। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं Redmi 12 के हवाले से, जो कि 8 GB रैम 128 GB वाला और 256 GB वाला। इस Redmi 12 में भी हमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम 8 GB रैम 128 GB वाले के प्राइस के हवाले से देखा जाए तो इस फोन की जो इस वक्त प्राइस है वो 35,000 रुपीज, यानी 35,000 रुपए का ये फोन आपको मिलेगा। 256 GB वाले के हवाले से देखा जाए तो दोस्तों वो फोन आपको Redmi 12 8 GB रैम 256 GB वाला 38,000 रुपीज, यानी 38,000 रुपए का मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं Redmi Note 12, जो कि 8 GB रैम और 128 GB वाला। इस फोन की प्राइस के हवाले से देखा जाए तो इस फोन की जो पहले वाले प्राइस थी वो 50,000 रुपए थी, लेकिन इसके बाद इस फोन में कमी आई है 45,000 रुपए की, लेकिन आज जो इस फोन की प्राइस हो चुकी है वो 41,000 रुपीज, यानी 41 या 42,000 रुपीज का ये आपको फोन मिलेगा Redmi का Note 12 वाला फोन। दोस्तों, इसके बाद हम जाते हैं रियलमी के बारे से, जो कि रियलमी की जो जिस फोन में कमी आई है वो है रियलमी C51। इसमें दो वेरियंट देखने को मिलते हैं, 4 GB रैम 128 GB और जो दूसरा है वो 4 GB रैम 64 GB वाले। तो बात करेंगे 4 GB रैम 64 GB वाले के, तो रियलमी का C51 जो मॉडल है 4 GB रैम 64 GB वाले, इस वक्त मौजूदा जो इस वक्त प्राइस है वो 26,000 रुपीज का आपको मिलेगा। जो इसका दूसरा वेरिएंट है 4 GB रैम 128 GB वाला, वो आपको उसकी प्राइस के हवाले से देखा जाए तो वो आपको किसी भी मार्केट से 29,000 रुपीज का मिलेगा, यानी 29,000 रुपए का रियलमी C51 आपको मिलेगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जो फरवरी मंथ में जो इस वक्त रियलमी और रेडमी के हवाले से जो प्राइसेस चल रही है उनके हवाले से थे। तो दोस्तों, ये थे वो स्मार्टफोन जिनके प्राइसेस में कमी आई है और ये कमी जो है इस वक्त फरवरी मंथ में आई है उसके हवाले से थी। उम्मीद है ये वीडियो हमारी आज की आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दीजिए हमारी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।